ऑस्ट्रेलिया ने एसएच के पहले टेस्ट के दूसरे ही दिन इंग्लैंड पर बढ़त हासिल कर ली है। जी हाँ, मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इस वक्त तक 54 ओवर में 193 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं। डेविड वार्नर और मानस लबुशेन ने 8 शतक लगाए हैं। इंग्लैंड की पहली पारी 147 रन पर सिमट गई थी। सीरीज में कुल 5 मुकाबले खेले जाने हैं। रूट ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया था, जो अब तक टीम के लिए गलत साबित हुआ है। मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने पारी की शुरुआत की। ओपनर्स मार्कस हैरिस ने सिर्फ 3 रन बनाए। उन्हें तेज गेंदबाज ऑली रॉबिन्सन ने आउट किया। इसके बाद इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने डेविड वार्नर को कम से कम 4 मौके दिए। तो एक बार वेन स्टोक की गेंद पर बोल्ड भी हो गए थे, लेकिन ये नो बॉल थी। इसके अलावा रॉबिन्सन की गेंद पर रॉरी बर्न्स ने स्लिप पर उनका कैच छोड़ा। डेविड वार्नर और मानस लबुशेन ने शतकीय साझेदारी करके ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी बेहद मजबूत स्थिति पहुंचा दिया है। वार्नर 70 और लबुशेन 66 रन बनाकर खेल रहे थे। आपको बता दें, मानस लबुशेन 74 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद स्टीव स्मिथ 12 रन बनाकर। फिलहाल ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं। डेविड वार्नर 173 गेंदों पर 94 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने 14 चौके और 2 छक्के भी लगाए हैं। इसके पहले इंग्लैंड की पारी के बारे में बात करें तो रॉरी बर्न्स 0 के स्कोर पर आउट हो गए थे। हसीब अमीद ने 25 रन बनाए। उन्हें स्टीव स्मिथ के हाथों पैट कमिंस ने कैच आउट कराया। डेविड मलान सिर्फ 6 रन ही बना सके। उन्हें एलेक्स कैरी ने जॉस हेजलवुड की बॉल पर कैच आउट किया। उसके बाद जो रूट खाता भी नहीं खोल पाए, जॉस हेजलवुड ने उन्हें डेविड वार्नर के हाथों कैच आउट कराया। उसके बाद बेन स्टोक भी ज़्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए। सिर्फ 5 रन बनाकर पैट कमिंस की बॉल पर मानस लबुशेन को कैच थमा बैठे। ऑली पॉप ने कुछ देर तक टिकने की कोशिश की। 79 बॉल्स पे 35 रन बनाए, लेकिन उन्हें कैमरन ग्रीन ने जॉस हेजलवुड के हाथों कैच आउट करा दिया। उसके बाद जॉस बटलर 58 गेंदों का सामना किया। उन्होंने 39 रन की पारी खेली। एलेक्स कैरी ने उनका कैच लिया मिसेल स्टार्क की बॉल पर। क्रिस वोक्स 21 रन बनाकर आउट हुए। पैट कमिंस ने उन्हें जॉस हेजलवुड के हाथों कैच आउट कराया। ऑली रॉबिन्सन कोई खाता भी नहीं खोल पाए अपना। मार्क वुड ने 8 रन बनाए। उन्हें भी पैट कमिंस ने आउट करवाया मार्कस हैरिस के हाथों। जैक लीच नॉट आउट रहे, 2 रन बनाए। मिसेल स्टार्क ने 12 ओवर में 35 रन देकर 2 सफलताएँ हासिल की। जॉस हेजलवुड ने 13 ओवर में 42 रन देकर 2 विकेट लिए। पैट कमिंस सबसे घातक गेंदबाज सिद्ध हुए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। उन्होंने 13.1 ओवर में 38 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। नेथन लायन 9 ओवर कोई सफलता नहीं मिली उन्हें और 21 रन उन्होंने खर्च कर दिए। कैमरन ग्रीन ने 3 ओवर फेंके, 6 रन दिए और 1 विकेट उन्होंने लिया। कुल मिलाकर इंग्लैंड की पारी 50.1 ओवर में 147 रन पर ढेर हो गई। फिलहाल टी ब्रेक चल रहा है और इस वक्त तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है 193 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इसमें डेविड वार्नर सबसे घातक बल्लेबाज सिद्ध हो रहे हैं। 173 गेंदों का सामना किया उन्होंने। 94 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 छक्के 11 चौके लगाए उन्होंने। मार्कस हैरिस 3 रन बनाकर आउट हुए। मानस लबुशेन ने 74 रन बनाकर आउट हुए। बहुत बेहतरीन साझेदारी की उन्होंने डेविड वार्नर के साथ। उसके बाद स्टीव स्मिथ ज़्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए। जॉस बटलर के हाथों मार्क वुड की बॉल पर कैच आउट हुए। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इंग्लैंड यहां से वापसी कर पाती है। इंग्लैंड के पास ही ऑली रॉबिन्सन, मार्क वुड जैसे और बेन स्टोक्स जैसे घातक गेंदबाज हैं। ENP टाइम्स की रिपोर्ट।